तो मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, बीएससी कोचिंग ज्वाइन किया था उस टाइम पे 9,800 रुपये फीस देकर, करीब 3 से 4 महीने का कोर्स था और 1.5 घंटे की क्लासेस हुआ करती थी। मॉर्निंग का बैच मैंने चूज किया था, उसके पीछे का रीजन था। अब वो रीजन के बारे में बात करते हैं। देखिए, 3 गलतियां मैं कल बता चुका था, फोर्थ गलती, चौथी गलती, मॉर्निंग बैच मैंने ले लिया। ये मेरी चौथी गलती थी। मैं अपने प्रिपरेशन की गलतियां बता रहा हूं कि भाई मेरी, मैंने क्या गलती की, मैंने क्या कैसे स्टार्ट किया प्रिपरेशन। तो ध्यान से सुनते जाइए और समझते जाइए कि आप लोग अगर कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या चीजें अवॉइड करनी है, क्या चीजें नहीं। पहली मेरी क्या गलती थी, कोई बता सकता है? पिछली क्लास में जो भी मौजूद थे, पहली मेरी क्या गलती थी? गलती नंबर एक क्या थी? जीके के नोट्स बनाना। जीके के मैं नोट्स बनाता था, ये मेरी थी गलती नंबर एक। गलती नंबर दो क्या थी मेरी, बताइए जल्दी जल्दी, जो भी पिछले क्लास वाले हैं, वो कैप्स नोट करना, ये मेरी गलती नंबर दो थी। गलती नंबर तीन क्या थी? अरे वो कैप्स और ग्रामर, चलो ठीक है, ग्रामर को अलग से मान लेते हैं, ग्रामर करते रहता था। ठीक है, गलती नंबर चार, कट ऑफ। तो ये सब गलतियां थी जो मैंने पिछली क्लास में बताई थी। पहली गलती कि मैं जीके के नोट्स बनाता था, कभी जीके के नोट्स नहीं बनाने चाहिए आपको। आपको अगर कोई बंदा जिसने एसबीआई पीओ में 200 में से 190 नंबर लाए, अगर वो बंदा भी आके बोलता है ना कि जीके के नोट्स बनाओ, तो भी मत बनाना जीके के नोट्स, कभी मत बनाना। एसबीआई के चेयरमैन भी अगर आपके आपको आके बोल दे, आईबीपीएस के, अगर आईबीपीएस का जो हेड है, जो भी है, जिसने आईबीपीएस चालू किया, अगर वो आके आपको बोल देना कि आप जीके के नोट्स बनाया करो, मत बनाना। मुझ पर भरोसा करते हो तो, और नहीं करते तो फिर आपकी मर्जी। यू आर फ्री टू डू एनीथिंग यू वांट, कभी मत बनाना जीके के नोट्स। जितना टाइम आप जीके के नोट्स बनाने में वेस्ट करोगे, उतने टाइम पे आप उसी जीके को 4 बार रिवाइज कर सकते हो। जितने टाइम में आप उसके नोट्स बनाते हो ना, उतने टाइम में आप 4 बार उसको रिवाइज कर सकते हो। यहां पर टाइम की बहुत वैल्यू होती है भाई। आप अगर 20 क्वेश्चन को नोट कर रहे हो ना, 20 क्वेश्चन को नोट करने में कम से कम आपको आधा घंटा लगेगा, कम से कम। और उस 20 क्वेश्चन को रिवाइज करने में आपको कितना टाइम लगेगा? मैक्स टू मैक्स 8 मिनट, मैक्स टू मैक्स 8 मिनट लगेंगे उसको रीड करने में। तो आप उसको 4 बार रिवाइज कर सकते हो। दूसरी चीज, इंग्लिश में 30 में 30 लाने वाला पर्सन भी अगर आपको बोल देना कि डेली वोकैब्स नोट करो, इंग्लिश में जो बंदा 30 में 30 लाता है, इंग्लिश का महारथी है जो, अगर वो भी आपको बोल देना कि वो कैप्स नोट करो, कभी जिंदगी में मत करना, अगर मुझ पर भरोसा करते हो तो। नहीं करते हो तो इट्स योर चॉइस, आपको जो करना है आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने जो गलतियां की बस मैं वो बता रहा हूँ, बाकी आपकी चॉइस है। आप चाहो तो फॉलो करो, ना चाहो तो आपकी मर्जी। फॉलो करने वालों को मैं गारंटी देता हूं आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, मुझे मिला। क्योंकि तो वोकैब्स नोट नहीं करना है, क्यों भाई? वोकैब्स नोट करने के लिए नहीं है, आपको अपनी डिक्शनरी नहीं बनानी है, आपको उन वोकैब्स को याद रखना है, उनको यूज करना है, एग्जाम में आए तो आपको पता होना चाहिए उसका मीनिंग क्या है। उसको नोट करने से कोई फायदा नहीं है। आपको वोकैब्स कैसे करनी है, वो चीज के बारे में मैं आप लोगों को बोला था कि मैं लास्ट में बताऊंगा, तो वो मैं लास्ट में ही बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। तो सस्पेंस होना चाहिए ताकि आप लोग अगली क्लास में आए, ठीक है? तो वो चीज मैं नहीं बताऊंगा अभी, वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि वो कैप्स को कैसे करना चाहिए। तीसरी चीज, जो सिर्फ ग्रामर करते हैं, जो स्टूडेंट सिर्फ ये सोचते हैं कि भाई ग्रामर कर लेंगे तो हमारा इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा, आप इस दुनिया के सबसे बड़े भ्रम में हो। इस दुनिया का जो सबसे बड़ा भ्रम है ना, भ्रम भ्रम भ्रम, क्या किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं भ्रम इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? मिथ।
धोखा, इल्यूजन, ये सिर्फ यही है। अगर आप ये सोचते हो कि अगर आप ग्रामर अपना अच्छा कर लोगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, तो ये बहुत ही कड़वा सच है कि नहीं होगी। आप जितनी मर्जी ग्रामर कर लो, ग्रामर का कोई विद्वान भी आ जाएगा ना यहाँ पर जिसको ग्रामर बहुत अच्छे से आती है, उसकी भी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी जब तक उसकी रीडिंग हैबिट नहीं होगी। आपको रीडिंग हैबिट बनानी ही पड़ेगी। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, और जो ये बोलते हैं कि जितने स्टूडेंट्स ये बोलते हैं या जो टीचर्स ये बोलते हैं कि भाई ग्रामर अच्छी होती है तो ही रीडिंग अच्छी होती है, ये गलत बात है। ये बहुत गलत बात है भाई। मेरे ही एक रिलेटिव हैं जो 8th फेल है, 8th फेल, 8वीं में वो फेल हो गए, 8वीं के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, 8वीं के बाद वो पढ़ाई छोड़ दिए। उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी है, इतनी जबरदस्त है, वो कॉल सेंटर में मल्टीनेशनल कंपनीज में टॉप पे रहते थे, टॉप पे जितने भी एम्प्लॉयज रहते थे ना टॉप पे, इतना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल था उनका। लेकिन उनसे अगर कोई मीनिंग पूछ दे वो नहीं बता पाते थे, वो मीनिंग नहीं बता पाते थे। कोई वर्ड होता था, मैं बोलता था भैया इसकी स्पेलिंग क्या होगी, मेरे को क्या पता, मैं 8वीं फेल हूं भाई, तेरे को पता होना चाहिए। उस दिन मैंने उनसे पूछा था कि भैया आप अगर ऐसा बोलते हो कि भाई मैं 8वीं फेल हूं तो आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे है। वो बोले कि भाई मैं सिर्फ रीडिंग करता था, मेरे को एक नौकरी चाहिए थी, और नौकरी के लिए ग्रामर जरूरी नहीं था, नौकरी के लिए जरूरी था कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं कि नहीं, तो मैंने उस पर फोकस किया। तो जो जरूरी है उस पर फोकस करना ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो जरूरी है उस पर फोकस करना ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। डीप नॉलेज आपको पता है कि नहीं पता है, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। इंटरव्यूअर आपसे ये नहीं पूछेगा आपको ग्रामर पता है कि नहीं पता है। आप इंग्लिश में उससे सामने अगर थोड़ा बहुत भी बतिया लेते हो तो वो खुश हो जाएगा, हाँ भाई इसको इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत, बस ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज्यादा ग्रामर के पीछे मत भागो। आप करते हो बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये गलती है, ये कोई बेवकूफी है कि ग्रामर नहीं, ग्रामर करो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट यार बचपन में तो किए हो ना, और कितना ग्रामर करोगे, क्या इस लाइफ में आप सिर्फ ग्रामर करने के लिए आए हो? नहीं, ग्रामर आपने बचपन में कर ली, उसको सिर्फ रिवीजन करना है। आप उसका रिवीजन करो इस तरीके से रिवीजन करो कि आपको रिकॉल हो जाए कि हाँ भाई बचपन में ये पढ़े थे, ऐसा ऐसा होता है। सिर्फ रीडिंग करो। रीडिंग करने से क्या होता है ना, जो आप चीजें पढ़े होते हो वो चीजें रिकॉल होती है, तो आपको समझ में आता है यार ये सही लग रहा है, ये गलत लग रहा है। और ये केसेस क्या है ना, 80% सही होते हैं, 70% सही होते हैं, 20-30% गलत होते हैं, तो भी आप एक अच्छे खासे नंबर ला सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप भाई 30 में 30 ले आओगे, 30 में 25 ले आओगे, नहीं। जिनकी इंग्लिश अच्छी है बहुत अच्छी बात है भाई, आप ला सकते हो, पर जिनकी नहीं है मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। और ऐसे 70% स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती, मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती, फिर भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। खुद में कॉन्फिडेंस रखो, रीडिंग करो, पढ़ते हो तो उसको समझने की कोशिश करो कि यहाँ लिखा क्या है, बस लिखा क्या है ये बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा चीजें आप दोस्तों, थोड़ा सा नेट का इश्यू है तो यहाँ पर ना बार बार बंद हो सकता। कितने लोग क्लास में मौजूद हैं, एक बार लाइक करिए। हाँ सभी लोग लाइक करिए, जितने भी लोग हैं क्लास में। थोड़ा सा यार नेट का इशू है, लाइट का इशू है, तो इस वजह से थोड़ा बंद बीच बीच में एक दो बार हो सकता है, तो उसके लिए टेंशन मत लेना, बने रहना। मैं बिल्कुल आऊंगा, जब तक मैं ये कंप्लीट नहीं करूंगा मैं जाऊंगा नहीं। नेक्स्ट स्लाइड, चलो ठीक है नेक्स्ट स्लाइड देते हैं, ये लो नेक्स्ट स्लाइड। पर यार इसमें अच्छा लग रहा था ना, हाउ आई स्टार्टेड बैंकिंग प्रिपरेशन, ये अच्छा लग रहा है, इसी को देखो अभी थोड़ी देर। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तो चलो अब आगे बात करते हैं पहले, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो मैं रिपीट करते ही रहूंगा हर क्लास में। तो अगला आगे क्या हुआ भाई, घर वाले मान गए, पापा मान गए कि चलो ठीक है तू ज्वाइन कर ले कोचिंग। कोचिंग मैंने ज्वाइन कर ली। कोचिंग में मेरा बस एक ही एम यही रहता था कि भाई जो अगले दिन सर क्लास में पढ़ाने वाले हैं वो मैं पहले से सॉल्व करके जाऊं, पहले से मैं उस चीज को सीख कर जाऊं, जो चीज आप लोगों को हमेशा करनी चाहिए।
अगर मैं कोई चीज कोडिंग डिकोडिंग में यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोगों को पहले से कोडिंग डिकोडिंग के कम से कम 8-10 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, देखना चाहिए आप क्या फास्ट कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ठीक। ये जरूर जरूरी चीज है। मॉर्निंग बैच गलती थी मेरी, गलती गलती मेरी क्यों थी मॉर्निंग बैच लेना, जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, मॉर्निंग का टाइम जो होता है ना, वो आपके जीके और इंग्लिश के लिए होता है। आप मॉर्निंग का टाइम हमेशा जीके और इंग्लिश के लिए रखो, ये चीजों को रात में करना बेवकूफी होती है, अकॉर्डिंग टू मी। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं भाई, तो यहां पर कोई भी ऑफेंड मत हो ना, ऐसे कैसे हम तो रात को करते हैं, हम तो अच्छे नंबर लाते हैं, वो आपकी चॉइस है, मैं अपनी चॉइस बता रहा हूं, मैं अपना अपना बता रहा हूं। हाउ आई, इस वर्ड पर ध्यान देना, आई मेरी मेरे बारे में बता रहा हूं, आपकी जो मर्जी हो, आप रात में करते हो, दिन में करते हो, रात और दिन के बीच वाला जो समय होता है आप उसमें करते हो, वो आपकी चॉइस है। मैं अपना बता रहा हूं कि भाई जीके और इंग्लिश रात के करने की चीज नहीं होती, जो लोग इसको रात में करते हैं ना, जो इसको रात में करते हैं गलत करते हो, बिल्कुल गलत करते हो। ये चीज आपको दिन में करनी चाहिए, और उठने के बाद सुबह सुबह एकदम सुबह उठते साथ सबसे पहली दो चीजें ये आपकी होनी चाहिए, ना मैथ्स, ना रीजनिंग, ना मोबाइल में व्हाट्सएप के मैसेजेस चेक करना, पहली चीज होती है जीके और इंग्लिश करना। उसके बाद चेक करो मोबाइल में कौन कौन से नोटिफिकेशंस आए हैं और कौन कौन से मैसेजेस आए हैं। पर अक्सर लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उठ के मोबाइल में चेक करते हैं, नोटिफिकेशंस देखेंगे और मैसेजेस देखेंगे, तो उनको थोड़ा सा अवॉइड करो, इन पर पहले थोड़ा सा फोकस करो अगर आपको जॉब चाहिए तो, ठीक। तो ये मेरी चौथी गलती कि मैंने मॉर्निंग बैच ले लिया। अब भाई दिन भर पढ़ाई करता था तो भाई घर वाले मान गए थे कि हाँ भाई दिन भर पढ़ते ही रहता है, मतलब थोड़ा सा जज्बा तो आया है, थोड़ा शायद ये थोड़ा चेंज हो रहा है अब, तो चलो मान लेते हैं, कोचिंग ज्वाइन करा देते हैं। मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली। अब कोचिंग करते 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 पेपर तो मैंने दे दिए और प्री वगैरह निकलने लग गए। अब घर वालों के साथ क्या होता है पता है, वो ना 5 महीने या 6 महीने में सबके साथ होता है, जब आप 5 महीने से तैयारी कर रहे हो, 6 महीने से तैयारी कर रहे हो ना, तो उनको ये उम्मीद होती है कि हाँ इसकी नौकरी तो लग जाएगी, इसकी नौकरी तो अब लगने वाली है, बस बस लग ही जाएगी, अभी बहुत मेहनत कर रहा है, इसकी नौकरी लग जाएगी। और जब आप पहला पेपर देके आते हो ना, फर्स्ट पेपर, मतलब 5-6 महीने के बाद बोल रहा हूँ, अगर आपने स्टार्ट करते साथ ही अगर पेपर दे दिया तो उनको भी पता रहता है कि हाँ अभी स्टार्ट किया। लेकिन जब आप 2-3 पेपर दे देते हो और 5-6 महीने बाद जब आप पेपर देने जाते हो ना, तो घर वालों को एक उम्मीद हो जाती है कि ये पेपर तो इसका निकल ही जाएगा, इसकी नौकरी लग ही जाएगी। और जब उस पेपर का प्री भी नहीं निकलता ना, तो हालत खराब हो जाती है फिर आपकी, घर वालों की नहीं, आपकी हालत खराब हो जाती है, यार इसका तो प्री भी नहीं निकला, मैं किस जगह हूं। जैसे मेरा हुआ था SBI PO में, SBI PO प्री 2016 नहीं निकला मेरा। मेरे घर वाले ये सोच के बैठे थे कि इसकी तो जॉब लगने वाली है थोड़े समय में, लेकिन मेरा SBI PO का प्री भी नहीं निकला। उस दिन मेरे फादर ने मुझसे एक बात बोली, तेरे से PO नहीं हो पाएगा, तू क्लर्क की तैयारी कर। वो थी लाइफ की चोट नंबर टू। चोट नंबर वन क्या थी वो मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं बाद बताऊंगा। जो धक्का लगता है ना, धक्का दिल पे, जोर प्रेशर, तो ये चोट नंबर टू थी जो दिल पे लगी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने गोली मार दी मेरे दिल पे, इतना दर्द महसूस हुआ। तेरे से पीओ नहीं हो पाएगा, तू क्लर्क की तैयारी कर। उस दिन फैसला ले लिया, अब तो पीओ ही बनना है, जो हो जाए, जितना मर्जी हो जाए उतना मैं अपना पूरा 100% दम लगा दूंगा। मैं रात को सोना बंद कर दूंगा, मैं खाना बंद कर दूंगा, लेकिन मैं पढ़ूंगा और मेहनत करूंगा और पीओ बन के दिखाऊंगा। ऐसे कैसे बोल दिए। तो ये थोड़ा सा ना आप लोगों को भी लगना जरूरी है, जब बुरा लगता है ना तब इंसान कुछ करता है। अगर आप कोई आपको कुछ सुना रहा है और आप इधर से सुन के इधर से निकाल रहे हो ना, तो ये गलत बात है, ये इस चीज में नहीं काम आता। आपको बुरा लगना चाहिए, आपको बिल्कुल बुरा लगना चाहिए। जब मैं यहाँ चिल्लाता हूँ या कोई और दूसरा टीचर आपको कुछ बोल देता है और आपको अगर बुरा लगता है ना, तो ये समझ लो कि भाई सामने वाला जो भी बंदा है ना, वो आपकी हेल्प कर रहा है, क्योंकि उसके बोलने की वजह से आपको बुरा लगा और आप वो चीज करना चाहते हो। तो ये मेरा सेकंड चोट नंबर टू जो मेरे दिल पे लगी, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया क्या, मॉक्स। उससे पहले मैं मॉक्स नहीं देता था, बहुत कम देता था। फिर मुझे काफी लोगों ने बोला था, भाई मॉक्स दिया कर, मॉक्स दिया कर।
प्रैक्टिस किया कर। तब मैंने मॉक से स्टार्ट किया, तो मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत पुरानी फ्रेंड थी एक कॉलेज टाइम की, उसने कोचिंग ज्वाइन की थी, फिर उसने छोड़ दिया था, उसकी शादी वादी हो गई थी तो उसने छोड़ दिया था। तो उसका आईडी पासवर्ड, ऐसी बात हो रही थी एक दिन, तो बात होते होते में उसने बताया मैं तो ज्वाइन की थी ऐसा वैसा, मेरे पास आईडी पासवर्ड पड़ा है, 1 साल का पूरा अनलिमिटेड टेस्ट है, फ्री टेस्ट। तो अनलिमिटेड टेस्ट उसमें थे, अनलिमिटेड 1000+ टेस्ट थे उस टाइम पे। तो बस मैं डेली के 4-5 टेस्ट देता था, देते गया, मतलब एक टेस्ट खत्म होता था 5 मिनट के अंदर दूसरा टेस्ट चालू कर देता था, वो खत्म होता था तीसरा टेस्ट चालू कर देता था, फिर अगर कुछ खाना वाना खाना है या थोड़ा सोना है तो सो लेता, फिर चौथा टेस्ट, फिर पांचवा टेस्ट, दिन के 5-5, 6-6 टेस्ट देता था मैं। गलती नंबर 5, गलती नंबर 5, भर भर के टेस्ट देना जरूरी नहीं है। जो आजकल के स्टूडेंट सोचते हैं ना, यार 200 रुपए में 1000 टेस्ट मिल रहे, बढ़िया डेली के 10 टेस्ट देंगे, गलत। ₹500 में हमको तो 5000 टेस्ट मिल रहे हैं, डेली के 10-10, 15-15 टेस्ट दे पाएंगे, गलत। आप महीने के सिर्फ 10 टेस्ट दो, लेकिन क्वालिटी एनालिसिस, क्वालिटी और एनालिसिस होना जरूरी है। अगर वो 10 टेस्ट आप दे रहे हो वो क्वालिटी के टेस्ट है, और अगर उसका आप एनालिसिस बहुत सही तरीके से कर रहे हो तो काम का है, नहीं तो बेकार का है। बेसी सीधा सिंपल सी बात है, क्वालिटी की चीज करो, क्वांटिटी से मैटर नहीं करता। आजकल आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी, ऐसे बहुत सी चीजें मिलेंगी, सब जगह कंपटीशन चलता है। ओबी को आप ओबी देखते आ रहे हो, ओबी कितने समय से चालू है, कई साल हो गए, ये कभी प्राइस कम नहीं करता अपना, और ना कभी अपने मॉक्स को अनलिमिटेड बोलता है, अनलिमिटेड मॉक्स, अनलिमिटेड नहीं, क्यों भाई, वो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, उनका भी मानना ये है क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। वही चीज मैं तो ख्याल कि सिर्फ प्री का ही प्रोवाइड करता हूँ, बट मेरा भी यही है भाई, लिमिटेड टेस्ट, 15 टेस्ट मिलेंगे एक उसके, पर क्वालिटी के होंगे, आप 15 टेस्ट दो, हाँ उसी की रीटेक दे दो, आप 4 बार दे दो 5 बार दे दो, क्यों, क्योंकि वो मेरी गलती थी, जो गलती मैंने की है वो मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स करें। तो मैं सिर्फ प्री के ही टेस्ट देता हूँ, क्यों भाई, मेंस के मैं नहीं बना सकता, ये महारत थी ये मेंस के लिए, तो मैं इसका नहीं कर सकता सामना, लेकिन प्री के लिए ये भी नहीं अच्छा बनाते भाई, मेरे से अच्छा नहीं बना सकते, ये मेरा मानना है, और मेरा एक क्या बोलेंगे ईगो भी है, हाँ भाई मेरे से अच्छा कोई नहीं बना सकता, हाँ भले मेरा इधर से सबका मिलाकर एक टेस्ट बनता है, मैं वो भी बोलूंगा ठीक है, बट वो क्वेश्चंस को उठाने का जो चॉइस है ना, वो चॉइस कोई और नहीं कर सकता, इतना भी मैं अपने अंदर एटीट्यूड रखता हूँ, हाँ वो और कोई नहीं कर सकता, क्वेश्चन आप ही का है पर आपका क्वेश्चन सिलेक्शन गलत है, 4 अलग अलग मॉक टेस्ट सीरीज है, क्वेश्चन आपके पर आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन आपका गलत है, कौन सा क्वेश्चन मिलकर एक मॉक टेस्ट बनना चाहिए ये आपको नहीं पता, ना आपके सो कॉल्ड एमबीए किए वाले लोग या सो कॉल्ड 99.99% वाले लोग या सो कॉल्ड 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए सैलरी उठाने वाले लोग, उनको नहीं पता ये चीज कि कौन कौन से क्वेश्चन को उठाकर एक टेस्ट बनना चाहिए, उनको नहीं पता, और इसी का रीजन होता है जो आप टेस्ट में ये बोलते हैं सर टेस्ट में तो 60 से ज्यादा नंबर भी नहीं आ रहे लेकिन एग्जाम में तो 80+ आ जाते हैं, इसका रीजन सिर्फ यही है। एग्जाम का जो लेवल एक्चुअल होता है वो आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम से सीख सकते हैं, इसीलिए गलती नंबर छह एग्जाम का फॉर्म ना फिल करना, इसमें वैकेंसी कम है, इसको मैं नहीं देता यार, क्या मतलब 2 वैकेंसी है 4 वैकेंसी है। मैंने 2016 आरआरबी नहीं भरा था, आरआरबी का पीओ और क्लर्क मैंने नहीं भरा था,
मैंने नहीं भरा था। अगर मैं भरता तो उसी समय मेरा सिलेक्शन हो गया रहता। आरआरबी प्योर क्लर्क का पेपर अगर मैं 2016 में भरा रहता तो मेरा उसी समय सिलेक्शन हो गया रहता, लेकिन किस्मत अलग चीज होती है। अगर मैं उस समय सिलेक्टेड हो जाता तो शायद आज मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने आप लोगों को ज्ञान नहीं दे रहा होता, आप लोगों को समझा नहीं रहा होता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अरे मैं सब बताऊंगा, टेंशन मत लो यार, पूछो मत अभी क्वेश्चन, सिर्फ बताने दो, सुनते जाओ, सिर्फ बहुत सी चीजें सीखोगे इस चीज से, आप लोग क्या गलती करते हो, मैंने क्या गलती की और दूसरे क्या गलती करते हैं। तो आरआरबी प्योर क्लर्क ये मैंने फॉर्म उस समय नहीं भरा, यही सोच के, एक में 6 वैकेंसी थी और एक में कुछ 84 या ऐसी समथिंग कुछ वैकेंसी थी। आरआरबी पीओ में शायद 84 वैकेंसी थी और क्लर्क में शायद 6 वैकेंसी थी, इस वजह से मैंने नहीं भरा। भरा रहता तो शायद उसी समय मैं पीओ बन गया रहता। अब बात ये होती है कि आपको फॉर्म सारे भरने चाहिए, क्यों? फॉर्म सारे के सारे फॉर्म भरो, चाहे एक वैकेंसी हो, चाहे दो वैकेंसी हो, चाहे तीन वैकेंसी हो। अगर आप ये सोचते रहते हो ना कि यार 600-600 रुपए वेस्ट होते हैं, वो वेस्ट नहीं होते। अपनी पढ़ाई पर किए गए पैसे कभी वेस्ट नहीं होते, वो इन्वेस्टमेंट होता है। जो भी लोग ये सोचते हैं ना कि भाई ये तो हम पैसे वेस्ट कर रहे हैं यार, 2000 रुपए का मॉक टेस्ट ले लिया यार, पैसे वेस्ट, वो वेस्ट नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। वो वेस्ट कब होगा? जब आप उसको ले लिए पर यूज नहीं कर रहे हो। आपने पैसे इन्वेस्ट किए, कहीं ना कहीं उसका रिटर्न आपको मिलेगा ही, आपको उसका रिटर्न डेफिनेटली मिलेगा। अब उसकी मैच्योरिटी कब होगी ये नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली मैच्योरिटी होगी और आपको उसका अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ये चीज आप मान के रखो। भाई मैंने भी बहुत सी बुक्स खरीदी, भर भर के, पूरा एक कमरा भर दिया था मैंने बुक्स के, बुक्स ही बुक्स थी, जहां मम्मी आती इतनी सारी किताबें रखा हुआ है, पढ़ता भी है तू, पढ़ी रहती है, जहां देखो वहां किताबें पढ़ी रहती है, पढ़ता भी है। अब मम्मी को कौन बताया कि वो सारी बुक्स में सॉल्व करके रखा था, सॉल्व कर चुका था उनको, तो दोबारा दोबारा थोड़ी करता, वो सारी बुक सॉल्व कर चुका था मैं। भाई किसी भी बुक को सॉल्व करने में 8 से 10 दिन से ज्यादा नहीं लगते। आप एक अगर 400 पेज की भी बुक खरीदते हो ना, अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आपके अंदर जज्बा है, तो वो 400 पेज की बुक भी आप 8 से 10 दिन के अंदर खत्म कर दोगे। तो ऐसी बहुत सी बुक्स आप खत्म कर सकते हो। बीएससी मैगजीन तो हर महीने आती थी, वो तो 2 दिन में ही खत्म हो जाती थी। उसमें कितने 6-8 तो सेट रहते हैं, 6 से 8 सेट रहते हैं, आप 2 से 3 दिन के अंदर बना सकते हो। मोहित जी आप नहीं, अगर आप देखो जिसको नहीं विश्वास हो रहा वो जा सकते हो भाई, बिल्कुल एकदम प्यार से एकदम बोलूंगा। आप अगर अगर आपको नहीं मानना है आप जा सकते हो, क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट से मैंने दिखाया है, मैंने कितनी कितनी बुक्स रखी हुई थी, कितनी बुक्स थी मेरे पास, मैंने सब दिखाया हुआ है। अभी भी अगर मैं यहाँ पर ये इसको खोलूं ना, अगर मैं इसको खोलूं, मैं चलो दिखा ही देता हूँ, मैं उठा नहीं पाऊंगा, इतनी सारी बुक्स हैं। ये जितनी उठा पाया मैं उतनी दिखा रहा हूँ ना, ऐसे ये पूरा कबर्ड भरा हुआ है, ये इधर पूरा कबर्ड है, इधर पूरा कबर्ड है, इधर मेरे पीछे पूरे 2-3 कबर्ड, ये सारे भरे पड़े हैं। इसके अलावा बाहर भी है, वो भी पूरा भरा पड़ा है। तो मैं खैर ये सब चीजें बोलना नहीं चाहूंगा भाई, जिसको पता है वो पता है, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। भरोसा करते हो तो रहो, नहीं करते तो भाई जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे मुझे किसी ने बोला नहीं है कि इनको ज्ञान दो या इनको बताओ, इनको समझाओ, इनकी जॉब लगाओ, मुझे किसी ने बोला नहीं है। मुझे अच्छा लगता है जब मुझसे कोई पढ़कर कोई जॉब लेता है और बोलता है ना कि सर आपका गाइडेंस बहुत हेल्पफुल रहा, मुझे अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है, अच्छी नींद आती है। ठीक, अब आगे सुनो, आगे सुनो, आगे इग्नोर मारो, चलो आगे सुनते हैं। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही चीजों के बारे में बात करूंगा, आलतू फालतू की चीजों के बारे में बात नहीं करूंगा, है ना। आईबीपीएस पीओ की तैयारी, ये मैंने फोकस मेन रखा था अपना, क्यों? एसबीआई के लिए मुझे यही कहा गया था, जहां जिससे भी मैं मिलता था, एसबीआई पीओ वाले, जिस भी बंदे से मैं मिलता था जिसने एसबीआई पीओ एज एसबीआई पीओ ज्वाइन किया था, हमारी कॉलोनी के एक भैया थे जो जिन्होंने एसबीआई पीओ 2011 में ज्वाइन किया था, तो एसबीआई पीओ 2011 में वो ज्वाइन किए थे, वो मुझे यही बोले थे कि यार मत आना कभी भी, तो किसी और बैंक की तैयारी कर, बट एसबीआई में मत आना, उन्होंने बोला था। उसके बाद मुझे अच्छा थोड़ा सा लगा, क्योंकि भाई बचपन से वो भैया के साथ हम लोग रहे थे और मुझे ऐसा लगता था यार, जो पर्सन के साथ हम रहते हैं या जिनके साथ हम बातें करते हैं, जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, वो हमको कभी गलत गाइडेंस नहीं देंगे।
तो बस मुझे यही भरोसा था उन पर, और ये था कि हाँ चलो यार एसबीआई, मतलब हाँ हालांकि ये था कि भाई अगर इसमें नौकरी लगती तो मैं छोड़ता नहीं, क्योंकि ये चीज भी उन्होंने बोली थी अगर लग जाए नौकरी तो ठीक है छोड़ना नहीं, बट प्रायोरिटी सिर्फ इसको नहीं देना, किसी और चीज के लिए भी तैयारी करते रहे साथ साथ, प्रेशर कम होता है, मेन चीज होती है प्रेशर, आपको आपको प्रेशर कम मिलता है। वो एसबीआईपीओ में 2011 से हैं, 2011 से लेकर 2019 होने वाला है, वो इंदौर में पोस्टेड हैं, वो आज तक सिर्फ 4 बार घर आए हैं, सिर्फ 4 बार घर आए हैं सिर्फ छुट्टी लेकर, 9 सालों में। उनकी शादी हो गई उस टाइम एक आए थे, उनकी बेटी हुई थी वो दूसरी बार आए थे, बेटी का फर्स्ट बर्थडे था तब वो थर्ड टाइम आए थे, और एक बार ऐसे ही आए थे शुरुआत में जब शादी नहीं हुई थी, सिर्फ 4 बार आए हैं वो घर, उनको टाइम ही इतना नहीं मिलता आने का, वो नहीं आ पाते। तो ये चीज होती है प्रेशर, आप नहीं कर सकते, ये होता है, ये आप मानो या ना मानो ये होता है। भाई मेरे जितने, मैं तो आरआरबी ज्वाइन कर चुका हूं ना, मेरे आरआरबी वाले फ्रेंड्स ही जो छुट्टी नहीं ले पाते, आरआरबी वाले ही बहुत छुट्टियां नहीं ले पाते, थोड़ी थोड़ी छुट्टियां मिलती है। तो भाई छुट्टियों के बारे में अगर आप सोचोगे ना, अगर आप ये सोचते हो कि भाई हाँ साल की 32 छुट्टी मिलती है, 12 CL मिलती है, ये EL मिलती है, इतनी सारी छुट्टियां मिलती है, आप लेके तो दिखाओ, मिलती है ठीक है, अप्रूव होती है क्या? अप्रूव नहीं होती, तो ये मत सोचना छुट्टी ये ले लेंगे, नहीं अप्रूव नहीं होती छुट्टी, हर छुट्टी अप्रूव नहीं होगी, इमरजेंसी है होगी ठीक है, आप सोचोगे घूमने फिरने के लिए छुट्टी ले लेंगे, ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है, तो डेडिकेटेड रहना पड़ेगा आप लोगों को काम पर, है ना, ये चीज बिल्कुल ध्यान पे रखना भाई, क्यों नहीं, मतलब देखो एक चीज, जो लोग बोलते हैं ना भाई छुट्टी हमारा अधिकार है, कोई आपका अधिकार नहीं है, छुट्टी आपका अधिकार नहीं है, आपका अधिकार नहीं है, वो आपका राइट नहीं है छुट्टी लेना, आपको मिलती है 32 छुट्टी, पर जरूरी नहीं है कि पूरी 32 छुट्टी आप ले लो एक साल में, वो नहीं ले सकते आप, अप्रूव होगा तो ही आप ले सकते हो। सीएल मतलब कैजुअल लीव, उसमें भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो सब आप लोग जब बैंक ज्वाइन करोगे तब पता चलेगा, मैं वो सब के बारे में अभी बात नहीं करूंगा, आगे बात करूंगा, आगे और कभी बात करूंगा, ये सीरीज मैं पूरा यूट्यूब पे भी चलाने वाला हूँ अभी, अबाउट बैंकिंग लाइफ एंड प्रिपरेशन, प्रिपरेशन एंड बैंकिंग लाइफ जो भी है, तो सब सब डिटेल में बात करेंगे उस समय। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे प्रिपरेशन करते करते देखो क्या हुआ, 2016 का मैंने आईबीपीएस पीओ दिया, तो मैंने कट ऑफ की बात की थी आप लोगों से, मेरा जून में खत्म हो गया क्या कोचिंग, कोचिंग खत्म जून तक, और जून तक क्यों चली, 4 महीने की कोचिंग थी, 4 मंथ की कोचिंग थी, हम सुबह वहां पर 7 बजे पहुंचते थे, 7 बजे का बैच था, 7 बजे हम जब वहां पहुंचते थे तो 4 में से 2 दिन ऐसे होते थे 7 बजे वहां पहुंच के हम खड़े हैं, 7:30 तक वेट करते थे, सर का फोन आता था, अरे यार चाबी नहीं मिल रही है, आज छुट्टी, ऑफिस की चाबी नहीं मिल रही है सर छुट्टी, अरे मोहित जी मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, आप कहाँ सीरियस ले रहे हो भाई, मैं जब पढ़ाते रहता हूँ तो मैं मजाक करता हूँ, मैं बातें करता, आप कहाँ सीरियस ले रहे हो, सीरियसली मत लिया करो मेरी बातों को, मैंने आपको कुछ नहीं बोला, मैं रिएक्ट अगर करता हूं ना तो वो मैं अपनी बातों पर रिएक्ट करता हूँ, मैं आपकी बातों पर रिएक्ट नहीं करता हूँ, तो उस चीज का बुरा मत मानिए, मेरी बातों का बुरा मत माना करो, मैं रिएक्ट सिर्फ अपनी बातों का ही करता हूँ, दूसरों की बातों पर रिएक्ट नहीं करता, और इसलिए मैं लोगों को भी बोलता हूँ इग्नोर मारो, मेरी बातों को भी इग्नोर मार दिया करो जब भी मैं कुछ गुस्सा वुस्सा करता हूँ तो, ठीक है यार देखो सिंपल सी बात है, लाइफ में चीजों को ना इग्नोर मारना सीखो, आगे बढ़ते जाओ, आपने इतना बड़ा मैसेज टाइप किया, कितना टाइम वेस्ट हुआ आपका, सोचो वो टाइम आपके लिए कितना कीमती है, इधर बातें सुनते, हो सकता है मैंने जितनी देर में आप वो कमेंट टाइप कर रहे हो आपकी दो चार बातें निकल गई होगी जो आपके काम की होंगी, इसलिए ध्यान से सुनो भाई, ये सब चीजें काम आएगी, वो कमेंट आप लिख दोगे उससे कोई कोई मतलब नहीं होने वाला। तो क्या बता रहा था यार मैं, हाँ तो ये चीज होता था कि सुबह 7 बजे हम पहुंचते थे, 7:30 तक वेट करते थे, उसके बाद सर बोलते थे यार चाबी नहीं मिल रही है, मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, तो ये सब चीजें होती थी हमारे साथ कोचिंग में।
तो ये था दर्द ऑफलाइन कोचिंग का, जो उस समय पर ऑफलाइन कोचिंग हुआ करती थी, आजकल तो ऑनलाइन होता है। तो ये चीज आप लोगों के लिए बेस्ट है कि आप लोग क्लास मिस भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है। अरे यार क्या इतना लंबा चौड़ा लिख रहे हो मोहित भाई, एटलीस्ट रीड बैक एंड फोर्थ कमेंट। वैसे कमेंट रीड आप करते नहीं हो, ये चीज बड़ी फेवर में नहीं थी। चीजें जो फेवर ही होती है वो कभी आप नोटिस नहीं करेंगे सर। और कमेंट मैंने उसके पहले क्या बोला था, क्या मैंने नहीं पढ़ा पता तो, और मैंने तो आपसे बात भी की है मैम से, पूरी तो बात सुनते होते सुने होते, जबरदस्ती दूसरे को मौका दे रहे हो बोलने का, और मैं आपकी बात नहीं जानता हूँ, ना होगा ना कोई जानता होगा, तो एटलीस्ट पूरी बात तो पढ़कर रिएक्ट करते हो सर। अरे मोहित मैं क्या बोल रहा हूँ यार, आप क्या बात को फिर वही ले रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने आपकी बात सुनकर रिएक्ट नहीं किया, मुझे पता है आप मजाक कर रहे थे, बट जो आपने बोला वो चीजें बहुत लोग नहीं बोलते हैं पर उनके दिमाग में चलती रहती है। इनडायरेक्टली मैं उनको सुना रहा था, आप समझा करो बात को यार, आप समझा करो बात को। मैं कैसे समझाऊं आप, जो जो नहीं बोलते ना, जो ऐसा मन में सोच रहा है बकवास कर रहा है फेंक रहा है, मैं उनको सुना रहा था। आगे चलो, इधर सुनो अब ध्यान दो। तो ऑफलाइन कोचिंग में ये सब प्रॉब्लम्स तो होती थी, लेकिन जैसे तैसे किया हमने। हम मैं ये नहीं बोलता भाई कि मैंने ऑफलाइन कोचिंग में कुछ नहीं सीखा, मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरा पूरा जो बेस था ना वो पूरा ऑफलाइन कोचिंग से ही मेरा हुआ था, क्योंकि मैं जितना भी वहां पर जाता था मैं सर से बात करता था, क्लास के बाद भी मैं थोड़ा बहुत पूछता था सर से, डाउट्स वगैरह पूछता था, जो भी रहता था। क्लियर हुए थोड़े बहुत डाउट्स, क्लियर हुए बहुत कुछ नहीं, बहुत सी चीजें क्लियर हुई। एटलीस्ट ये कि हाँ प्रीलिम्स क्लियर करने लायक मेरा हो गया था भाई, पहले से खुद में काबिलियत थोड़ी सी थी और प्रीलिम्स क्लियर करने लायक मेरे हालात बन चुके थे कि हाँ चलो मैं प्रीलिम्स क्लियर कर सकता हूँ। अब बात ये होती है कि जब आपका प्री क्लियर नहीं होता ना, तब आपके घर वाले आपके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको उम्मीदें रहती है। तो मेरे घर वालों ने मुझे यही बोला कि नहीं हो पाएगा तेरे से, तू कर, तू क्लर्क की तैयारी कर ले। लेकिन मेरे अंदर तो एक आग लगी हुई थी कि भाई बनना है तो पीओ ही बनना है, क्लर्क क्लर्क से कोई काम नहीं होने वाला है। ठीक है, क्लर्क क्लर्क से कोई काम नहीं होने वाला है, 15-20 हज़ार की मैं नौकरी कर नहीं सकता, क्योंकि पहले ही मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था मेरा एम था पहले से बिजनेस करने का। मैं किसी के अंडर दब के काम नहीं कर सकता, कोई मुझे ये बोल दे तू ये कर, मैं नहीं कर सकता। मतलब एटीट्यूड होता है ना, वो थोड़ा सा था मेरे अंदर कि भाई कोई मुझे ये बोल दे कि तेरे को ये करना पड़ेगा, मैं नहीं करूंगा, जो करना है कर ले, इस टाइप वाला। तो फिर मोहित जी इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हो यार, मैं आप क्या बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, आप मुझे पर्सनल मैसेज करो, अपन बात करेंगे फोन पे बात करेंगे, आप पर्सनल मैसेज करो फोन पे बात करेंगे, ऐसा मत करो। आप इधर ध्यान दो बस, जो बता रहा हूं उसको सुनो। हाँ अरे आगे सुनो यार, आगे सुनो। उसके बाद और भी बहुत सारे पेपर आए, मैंने फॉर्म भरे, आईबीपीएस पीओ में मेरे साथ जो हुआ था वो चीज का मैं बता रहा हूँ। प्रीलिम्स मेरा क्लियर हुआ क्योंकि ये मेरा ड्रीम जॉब था, ये मेरा ड्रीम जॉब था। गलती नंबर सात, ये मेरा ड्रीम नंबर, ड्रीम जॉब। उस समय पर मैंने जो सपना देखा था वो था आईबीपीएस पीओ का, तो ये मेरा ड्रीम जॉब था। कभी भी अपनी ड्रीम्स मत लड़खाओ, कभी कोई ड्रीम्स मत बनाओ अपनी, ड्रीम्स हमेशा टूटते हैं, सपने हमेशा टूटते हैं, तो कोई ड्रीम्स मत बनाओ। एक टू छह गलती क्या है, उसके लिए आपको पिछली क्लास और ये वाली क्लास का शुरू से देखना पड़ेगा। तो ड्रीम ड्रीम कभी मत बनाओ कि मुझे ये क्लियर ही करना है, यही होना चाहिए, मत बनाओ। ठीक, क्योंकि जब सपने टूटते हैं ना तो बहुत दर्द होता है। तो ये जो ड्रीम जॉब था ना, जब इसका प्री क्लियर हुआ, जब ये 2016 का पेपर था, 2016 में ये पेपर हुआ था हमारा, ठीक है, प्री 2016 में हुआ था, और इसका रिजल्ट भी 2016 के दिसंबर कब, नवंबर के आसपास आया था, नवंबर में 2016 में आया था ये रिजल्ट। उस समय ये चीज नहीं हुआ करती थी, रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड एट क्या लेट इवनिंग, ऐसा नहीं आता था उस समय। उस समय डायरेक्ट रिजल्ट आता था, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट आ गया, हजारों लोग खोल रहे हैं वेबसाइट,
जाम, आईबीपीएस की वेबसाइट वैसे भी ढंग की चलती नहीं थी 2016 में, ठीक। तो आगे ध्यान दो, आगे ध्यान दो, रिजल्ट आया 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, पता चला रिजल्ट आ गया है। मैंने वेबसाइट खोली, वो कैप्चा होता है ना एक, वो नहीं दिख रहा था, वो दिख ही नहीं रहा था। अब उसके बाद दिमाग खराब, हर 10 मिनट में खोल के देखो 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 देखो, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। बहुत से लोग रिजल्ट शेयर कर रहे थे फेसबुक पे और इधर उधर, मतलब जगह जगह थी तो वहां सारी चीजें थी जहां पर देखा जाता था पहले, तो मेरा तो कैप्चा ही शो नहीं कर रहा था, तो मैं रिजल्ट ही नहीं ओपन कर पा रहा था। रात तक नींद ना आए, पापा भी बोले सो जा सो जा सो जा सो जा, नहीं सोया मैं, नींद ही नहीं आ रही थी। रात को 1:40 पे वो ओपन हुआ, रात को 1:40 को ओपन हुआ रिजल्ट, पहला प्री, पहला नहीं बोलूंगा, प्री पहले भी क्लियर हुआ थे एसबीआई क्लर्क वगैरह के, लेकिन ये मेरा ड्रीम जॉब था। मैं ड्रीम जॉब के बारे में बता रहा हूँ, जो लोग बोलते हैं ना कि हमारा ये ड्रीम जॉब है, हमको तो ये चाहिए चाहिए, उस चीज के बारे में बता रहा हूँ कि वो गलती क्या है। वो प्री मेरा क्लियर हो गया था, 47.50 कट ऑफ था, 49.75 मार्क्स थे, मतलब बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं, थोड़े बहुत डिफरेंस से क्लियर हुआ था। रात को 1:40 पे ही जाके पापा के रूम पे पापा लोगों को उठा दिया, पापा मम्मी को, बाबा मेरा पेपर क्लियर हो गया, पेपर क्लियर हो गया। बहुत खुश एकदम, मतलब खुशी सातवें आसमान पे थी कि हाँ पेपर क्लियर हो गया, अब तो जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता, तो घर वालों की इससे उम्मीद बढ़ जाती है। ये है मेरी गलती नंबर 8। गलतियां सुनते जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती नंबर 8 कि कभी भी एक्साइटमेंट में घर वालों को रिजल्ट नहीं बताना चाहिए, कभी भी एक्साइटमेंट में घर वालों को रिजल्ट नहीं बताना चाहिए। मतलब मैं रात को 1:40 को उठाकर पापा और मम्मी को ये बोलो मेरा प्री क्लियर हो गया, मेरा प्री क्लियर हो गया, मेरा प्री क्लियर हो गया। उससे क्या होता है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि ये बंदे की अब जॉब लगने वाली है, ये गलत बात है, मत करो, जब जॉब लग जाए ना तब बताओ। तो ये चीज अक्सर लोगों के साथ होती है, तो ये गलती नंबर 8 जो कि सबके साथ होती है, मेरी जितनी गलतियां हैं वो लगभग सबके साथ होती है, तो इसलिए ध्यान से सुनते जाओ। कभी भी एक्साइट होके घर वालों को रिजल्ट मत बताओ, उनको ये तक मत बताओ पेपर कब मतलब पेपर दे रहे हो रिजल्ट कब आ रहा है, मत बताओ, कुछ मत बताओ। जितना आप उनको कम से कम बताओगे ना अपने पेपर और अपने रिजल्ट के बारे में, वो बहुत अच्छा है। आप उनसे बात करो, प्रिपरेशन के बारे में बात करो, पेपर होने वाला है ये बात करो, आपकी प्रिपरेशन कैसी है ये बात करो, लेकिन उनको रिजल्ट एक्साइट होके एकदम मत बताओ कि मेरा पेपर निकल गया। नॉर्मली ऐसे ही बैठे बैठे बता दो, हाँ वो प्री हुआ था तो वो निकल गया है, तो अभी एक मेंस होने वाला है तो देखते हैं अब क्या होता है, इस टाइप से। ये होना चाहिए आपका रवैया जब आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो रिजल्ट के बारे में, नॉर्मली, एकदम नॉर्मल, बी नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, प्री निकल गया तो कोई बड़ी बात है क्या प्री निकलना, एकदम नॉर्मल तरीके से बात करो। हाँ वो प्री दिया था तो निकल गया, तो अब मेंस देना है, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, जीडी होगा, इंटरव्यू, मतलब उनको ये लगना चाहिए कि अभी बहुत स्टेजेस बाकी हैं, बहुत स्टेजेस बाकी हैं अभी, उनको लगना चाहिए ये चीज। ये नहीं है प्री निकल गया मतलब जॉब लगने वाली है इसकी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आ जाती है, खासकर उन पेरेंट्स के साथ जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती इस बारे में। भाई बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं है आईबीपीएस ये वो ऐसा वैसा। मेरे पापा को तो हालांकि पता था क्योंकि दीदी देती रहती थी, दीदी बताते रहती थी, तो उस टाइम पे उन्होंने बताया हुआ था, तो पापा को थोड़ा आइडिया रहता था ये सब चीजों का, लेकिन फिर भी मैं एकदम ज्यादा उसके बाद से फिर मैंने कभी नहीं किया। ये मेरी गलती हो गई, ये गलती कभी नहीं किया फिर मैंने उसके बाद, क्यों, क्योंकि मेंस नहीं निकला। मेंस, अब देखो मेंस में क्या रहता है ना, पिछले साल का कट ऑफ वाला गलती तो मैं बता ही चुका हूँ, कट ऑफ कभी भी नहीं देखना चाहिए। पिछले साल का मैंने कट ऑफ देखा था 86 नंबर गया था, 2015 का जो कट ऑफ गया था वो 86 मार्क्स गया था, तो 2016 का जब हम पेपर देने गए ना, 2015 वाला पेपर मैं देख के गया था, एक मेमोरी बेस्ड पेपर, ये भी गलती होती है, इसको मैं गलती काउंट नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा देखा नहीं था, एक बार बस मैंने देखा था, 2015 का मेमोरी बेस्ड पेपर मैंने देख लिया कि ये पेपर जो था ऐसा ऐसा लेवल का था, मेरे को हलवा लगा ये तो मैं आराम से निकाल लूंगा यार, 86 मार्क्स मतलब कट ऑफ गया मेरा तो आराम से 100 के ऊपर आ जाएगा। लेकिन जब पेपर देने गए तो हालत टाइट, पेपर पूरा नया, कुछ अलग ही टाइप की चीज है वहां पर, पता है क्वेश्चन ऐसे हो रहे थे, ये क्वेश्चन
स्किप 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 स्किप, फाइनली दिखा कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग दिखा और मेरा तरीका तो आप लोगों को पता ही है क्या, जैसे ही कोडिंग डिकोडिंग दिखा फटाफट लिखना चालू। अब जब लिखना चालू किया, एक लाइन लिखा, दूसरी लाइन एक भी कॉमन नहीं दिखा, सब अलग। एक लाइन लिखा, लाइन मारा, दूसरी लाइन एक भी कॉमन नहीं, सब अलग। तीसरी लाइन देखा, सब अलग। चौथी लाइन देखा, सब अलग। उसके बाद समझ में आया, अरे यार ये तो कुछ नया टाइप का कोडिंग डिकोडिंग है, कुछ गड़बड़ है। उसके बाद फिर थोड़ा आराम से देखा क्वेश्चन को कि क्या है क्या है, समझ ही नहीं आया। क्योंकि वो जो न्यू पैटर्न हम बोलते हैं ना, न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग, न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग जिसको हम बोलते हैं आज की डेट पर, कि भाई लेटर्स, पहला लेटर, अल्फाबेट और ये, उस समय हमको पता ही नहीं था, हमारे लिए नया था, हमने कभी नहीं देखा था, वो एकदम फर्स्ट टाइम आया, समझ ही नहीं आया ये क्या है, बिल्कुल समझ नहीं आया। तो मैंने क्या कर दिया, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार ऐसे ही रहता है ना, मतलब एक दो तीन चार, चार चार वर्ड्स का। तो मैंने क्या कर दिया, समझ में आया ये चीज, समझ में आया ना ये चीज। देखो थोड़ा सा इशू होगा यार, मैं एक बार ना रिफ्रेश भी कर ले रहा हूं, तो एक मिनट वेट करिए, एक मिनट वेट करिए बस। सुनिए, चलिए चलिए जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, थोड़ा इशू ज्यादा हो रहा है अभी। तो ये चीज जो होती है ना, ये हमारी गलती होती है। क्या गलती होती है भाई, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि आप कभी भी ना एग्जाम में जब तैयारी करके जाते हैं ना, तो ये मत सोचा करो कि आपने जो पढ़ा है ना वही आया होगा। क्या हो गया यार, अरे यार यहाँ पर लड़ाइयां चालू कर दिए हो आपने तो। नहीं बताऊं क्या, करना क्या चाहते हो भाई, अरे कौन है भाई, क्यों मोहित के पीछे पड़े हो यार। मैंने बोला ना, मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला था, आप लोग क्यों उनके पीछे पड़ गए हो। और मोहित तुम भी अवॉइड करो यार, ऐसे मेरे पीछे ना हजारों लोग पड़ते रहते हैं, एक दो को तो मैं रिप्लाई दे देता हूँ गुस्सा करके, उसके बाद फिर ऐसा लगता है बोलने दो ना, क्या मैं नहीं बताऊंगा यार, ऐसे में ये सब लड़ाइयां उड़ाइयां करते रहोगे, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। मैं कुछ सोच सोच के ये सीरीज चालू किया था कि शायद कुछ यहाँ पर आप लोगों को फायदा मिल जाए, पर लेकिन लोगों को नहीं है परवाह, तो क्या कर सकते हैं। आप लोगों को लगता है कि सिर्फ आप पढ़ाई कर कर
आपको ये लगता है ना कि सिर्फ आप पढ़ाई करके, पढ़ाई के दम पे ही आप पेपर निकाल सकते, निकाल लो, बहुत अच्छी बात है, कोई याद नहीं रखेगा आपको, कोई आपको याद नहीं रखेगा। ऐसे बहुत से लोग आए और गए जो एसबीआई पीओ भी बन गए, आरबीआई भी लेके आ गए होंगे, वो 200 में से 180 नंबर भी लाते होंगे, आए और गए, ऐसे बहुत लोग गए। क्या है अभी बैंक, बैंक में जॉब ही कर रहे हैं ना अभी, कोई उनकी सुनता है? क्योंकि वो एक्चुअल उस स्टूडेंट के बारे में नहीं सोचते भाई जिसके 200 में से 20 नंबर भी नहीं आते। तो मैं सबके लिए बता रहा हूं, क्योंकि मैं ये यहां से बढ़ाऊं ना, मैं इस लेवल से बढ़ाऊं आगे, तो मुझे पता है कि उस लेवल से और इस लेवल पे क्या डिफरेंस होता है बीच में। तो जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो यार। मैंने ग्रेजुएशन अपना 4 साल के बदले 5 साल में किया है। मैथ्स में फेल हो गया था मैं, 9 बार फेल हुआ था मैथ्स में ग्रेजुएशन में। एक एवरेज स्टूडेंट की वैल्यू मार्केट में क्या होती है ये सिर्फ वही जान सकता है जो एवरेज स्टूडेंट है। 60% 70% वाले लोग, मैं उसी में से हूं। तो जो लास्ट चीज मैं आप लोगों को बोल रहा था वो यही बोल रहा था कि कभी भी जो आप पढ़कर जाते हो ना वही चीज एग्जाम में आएगी, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। मैं कोडिंग डिकोडिंग पुराने पैटर्न की पढ़ के गया था, दिखा कोडिंग डिकोडिंग है, बस बनाने लग गया, मुझे पता ही नहीं था कि ये नए पैटर्न का भी आ सकता है। तो इसका मेन क्या है मोटिव, मेन मकसद क्या है इस चीज का, समझाने का इसको, कि कभी भी एक्सपेक्ट मत करो एग्जाम से कि एग्जाम में ये आएगा, कभी एक्सपेक्ट मत करो लेवल, कभी एक्सपेक्ट मत करो, कभी भी नहीं। पेपर दिए आए, उसके बाद फिर मार्क्स कैलकुलेट किए अपने बैठ के, जीके में इतने 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 इतने, 4 दिन तक बस मार्क्स कैलकुलेटिंग चल रहा था। हाँ इसमें इतने आ जाएंगे, उसमें इतने आ जाएंगे, इसमें इतने आ जाएंगे, अब पता नहीं कट ऑफ कितना जाएगा। पिछले साल 86 गया था तो दिमाग में यही रह रहा था कि कैसे भी करके ना मार्क्स अपने कैलकुलेशन करते करते 86 से ऊपर हो जाए। तो जीके में अगर हमने माने 20 है और कैलकुलेशन करके अगर थोड़े बहुत कम हो रहे हैं, जीके में 2-3 और सही हो सकते हैं शायद, तो वो हो सकता है ऐसा, मतलब 86 आ जाएगा। तो वो एक उम्मीद रहती है अंदर से, हाँ ये हो सकता है, इधर से थोड़े से बढ़ सकते हैं। मान लो आपने कैलकुलेशन किया 80 आ रहा है, तो 6 नंबर आप बढ़ा दोगे कहीं ना कहीं से। रीजनिंग में तो यार दो, एक आध दो सही हो सकता है, वो शायद मैंने ब्लड रिलेशन बनाया था वो शायद सही है। वो मैथ्स का यार एक क्वेश्चन अगर गलत नहीं होगा तो उधर से भी 2 नंबर निकल जाएंगे। वो जीके का यार वो ना मेरे को, मैं श्योर नहीं उसका, मैंने आंसर शायद ये सही वाला ही टिक किया था, तो उधर से भी 2 नंबर। तो ये होता है, तो ये मत करो यार, ये 3-4 दिन टाइम वेस्ट है। वो आप 3-4 दिन यही सोचते रहोगे, कोई मतलब नहीं, पेपर दे के आए भूल जाओ, पेपर दे दिए खत्म हो गया बात, अब अगले तैयारी करो अगले पेपर की। क्यों करना भाई उसका कैलकुलेशन, वो तो कर रहा है ना आईबीपीएस, वो तो मेहनत कर रहा है ना, वो तो लगा के रखा है ना इतने सारे लोगों को इस चीज के लिए, आप क्यों कर रहे हो मेहनत? आपका काम था पढ़ना और पेपर देना, आपने दे दिया। रिजल्ट बनाना आपका काम नहीं है, रिजल्ट बनाना आईबीपीएस का काम है, वो बनाएगा वो बता देगा आप सही हो गलत हो, आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है। तो भूल जाओ, पेपर दे के आए अपना अगला तैयारी में लग जाओ, बस खत्म, भूल जाओ। तो पेपर दे के आ तो गए थे भाई, उम्मीद तो थी हाँ निकल जाएगा, निकल जाए, नहीं निकला। अब नहीं निकला तो एक धोखा हो गया भाई। शाम को 6:30 बजे के आसपास रिजल्ट आया था, छत पे लैपटॉप लेके ऐसे खड़े थे मोबाइल से नेट कनेक्ट करके रिजल्ट ओपन करने के लिए, आने वाला है आने वाला है आने वाला है। नहीं हुआ तो एक धक्का लगा बहुत, क्यों नहीं हुआ। फिर उसमें ये बताया गया कि कट ऑफ पता चलेगी कुछ दिन बाद, मार्क्स पता चलेंगे और कुछ दिन बाद। तो जब कट ऑफ पता चली तो पता चला कि 52.50 गया था कट ऑफ। अब दिमाग खराब हो गया यार, 52.50, मैं तो अपने मार्क्स अच्छे खासे कैलकुलेट कर रहा था, इतना कम कट ऑफ 200 में से, वो भी आउट ऑफ 200, डिस्क्रिप्टिव नहीं होता था उस समय, आउट ऑफ 200 52.50, दिमाग खराब। अब मार्क्स का वेट कितने आए, मार्क्स कितने आए, मार्क्स देखना पड़ेगा देखना पड़ेगा। मार्क्स आए तो पैरों तले जमीन खिसक गई, मार्क्स थे ये और कट ऑफ था ये,
फिर भी नहीं हुआ, बहुत नाइंसाफी है। तो इंग्लिश रुक गया था भाई, इंग्लिश का कट ऑफ था 4.75 का, मेरे नंबर 4 नंबर आए थे मात्र, 0.75 से वो रुक गया था 2016 में। उस दिन ये एहसास हुआ, वो जो ग्रामर वाला मैंने बताया, ये नहीं करना चाहिए, उस दिन ये एहसास हुआ था गलती का मेरे को, जो मैं आप लोगों को आज बताता हूं। सिर्फ ग्रामर के पीछे भागोगे कुछ नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज कि ना, कोचिंग खत्म हो गई थी ना, उसके बाद ना मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखने लग गया था। तो यूट्यूब पे वीडियोस देखते 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 मुझे एक मस्त लगा था, जहां से मुझे लगा था कि मैं सीखूंगा, तो मैंने वहां से भी एक कोर्स ले लिया था 9,000 का। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो सर बेस्ट है, वो सर बेस्ट है, मैं उनका नाम, वो है बेस्ट है, बेस्ट है। मैं अपने जीके का श्रेय सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को देना चाहता हूं, मैं अपने जीके का श्रेय सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को देना चाहता हूं। गौरव सर बिल्कुल स्टडी आईक्यू, गौरव सर मैं अपने जीके का श्रेय सिर्फ उन्हीं को देना चाहता हूं। मैं जीके में ऐसा इंसान था जिसे अपने देश के प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता था। जब मैंने प्रिपरेशन चालू की थी उस टाइम पे ना, पापा मेरे से ये पूछे थे तू तू क्या कर पाएगा, मतलब जो मैं बताया था ना आप लोगों को, मेरे पापा बोले थे तेरे से नहीं हो पाएगा करके। तो जब मैं कर रहा था ना, तो दो चार दिन ऐसे बैठ के पूछते रहते थे मेरे से, क्या करेगा तू, क्या पेपर निकालेगा, तेरे को प्रेसिडेंट भी पता है? तो मैं एपीजे अब्दुल कलाम बोलता था उस समय 2016 स्टार्टिंग जनवरी में, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मुझे यही लगता था एपीजे अब्दुल कलाम हमारे प्राइम प्रेसिडेंट है। मेरा जीके बद से बदतर था, क्योंकि मैं कभी ना पेपर पढ़ता था, ना मैं कभी न्यूज देखता था, ना मैं कभी नेट पे सर्च कर करके चीजें देखता था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, और आज भी नहीं है। आज की डेट पर अगर आप मुझसे पूछ लो, मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अब मैं फिर से अपने पुराने उस पर आ चुका हूं। जब तक सिर्फ मुझे जॉब चाहिए थी तब तक मैंने प्रिपरेशन की, अब नहीं। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।